हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी जो हमारे पास है एक बोर्ड है जिसमें कि नो नेटवर्क का प्रॉब्लम है और रेडमी 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें शील्डिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा का पूरा शील्डिंग लगा हुआ है। तो किस तरह से इसके शील्डिंग को उतार करके आप WDR को चेंज कीजिएगा, यानी इसके नेटवर्क ऐसी हो किस तरह से आप इसके सील को रिमूव कीजिएगा, क्योंकि ये ऑन बोर्ड है, और फिर आप इसको चेंज कीजिएगा। तो चलिए ये प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये सील्ड आप कितनी आसानी से उतार करके इसके WDR को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे कंटिन्यू, ओके। तो सबसे पहले ना आप अपने मदरबोर्ड को पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, हमने इसे पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर लिया। अब आप देख पा रहे हो कि इसका सील्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि 11 नंबर ब्लेड लेना है, और 11 नंबर ब्लेड लेने से इसको थोड़ा सा आपको इसके रास्ता को जगाना है। जो भी स्टेप्स है मैं आपको इजीली गाइड करता हूं ताकि आप आराम से वीडियो देख करके भी काम कर सकें। ये देखिए, इस तरह से आपको हल्का हल्का इस पे चला लेने हैं, ठीक है। और ये चलाने के बाद मदरबोर्ड को आपको 300 टेम्परेचर में थोड़ा सा गर्म कर लेना है। यह हम बोर्ड को हल्का सा इसलिए गर्म कर रहे हैं ताकि हम इस पे जो फ्लक्स पेस्ट अभी डालेंगे वो क्या हो पाएगा, मेल्ट हो पाएगा, इस पे मेल्टिंग बनाने के लिए। तो इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर दिया, अब हम इस पे फ्लक्स डालेंगे ताकि ये फ्लक्स क्या हो सके ना, आराम से देखिए ये मेल्ट हो सके। देख रहे हैं, ये आराम से मेल्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ हमें देना है ये ईजी मेल्ट हो रहा है। अगर हम इसको हल्का गर्म नहीं करेंगे तो ये फ्लक्स ना हमारा एक ही जगह, इससे क्या होगा कुछ दूर से सील हमारा पिघलेगा, बाकी दूर हमारा सील नहीं। ठीक है, ये देखिए कितना इजीली हमारा बाहर आ गया। अब जब बोर्ड हमारा गर्म रहे उसी कंडीशन में हमें इसे क्लीन कर लेना है, तब हमें टेम्परेचर लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इजीली क्लीन हो गया। इस तरह से सफाई कर लेना है। इसके बाद हमें न्यू WDR लेना है। WDR का नोच मार्क आप शुरू में ही डिफाइन कर लें। ठीक है, हल्का सा मूव करके देख लेना है। तो WDR लगने के बाद हमारा नेटवर्क आ चुका है। तो हमारा नेटवर्क आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको दिख जाएगा कि हमारा नेटवर्क जो है वो आ चुका है, और इसका जो है वो टीवी ऑन
हो चुका है, तो आपको हो सकता है कि काफ़ी कम दिख रहा हो, लेकिन हमारा नेटवर्क इसका आ चुका है। ठीक है, तो कितना ईजी होता है अगर आप किसी भी प्रोसेस को ईजीली फॉलो करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, तो ओके एवरीवन, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।